डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील हैडकुआटर रामकोट इस वे मैं खड़ोता शलां चौक के बिच। बड़े अफसोस कन्नै बोलना पौंदा कि अज्ज अस शलां चौक के बिच खड़ोने की साड़ी वजह पता की है, यह पिछे एक लाइट लगती है। भला यह जगह केड़ी है, केड़ी जगह तरफा जेड़ा इस लाइट की ठीक होना हाँ, लेकिन हाली तक लाइट उइं गै डिम पेदी है। हजारां बारी इत्थुआं दे जेई डबल ई डी डी सी बी डी सी एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े ऑफिसर इस चौक के बिचा निकलते हैं, लेकिन कुसै भी नज़र जी इस चौक के बिच जो पार्क बनता और पार्क के बिच साढ़े देश के जिन्हें असी आजादी दिलवाई है, आजादी किस गल्ला दिलवाई है, सारे जो देश निवासी लोग खुश रहन, लेकिन उनकी एक इतनी जी मूर्ति लगी है तुम्हें दिखी जाने सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा इको ना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन उस चौक के बिच एक लाइट जी लगती है, ये लाइट 2 साल की बंद पड़ी है। अगर जम्मू सिटी के बिच देश के जिन्हें असी आजादी दिलवाई है, आजादी किस गल्ला दिलवाई है, सारे जो देश निवासी लोग खुश रहन, लेकिन उनकी एक इतनी जी मूर्ति लगी है तुम्हें दिखी जाने सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा इको ना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन उस शो के बिच एक लाइट जी लगती है, ये लाइट 2 साल की बंद पड़ी है। अगर जम्मू सिटी के बिच अगर सीसीटीवी फुटेज अगर लगी सकते हैं तो साड़ी डिस्ट्रिक्ट कठुआ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जेडे पहाड़ी इलाके जेडे जिखिया तहसीलों तो इन चौदह बच्चे हाली तक लाइट भी नहीं है, तो कम से कम इतनी नाकामी जी कोई है। मैं जनता अगर रिक्वेस्ट करना कि अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे देनी, क्योंकि एक सरकार आँदी है साढ़े जेडे शहीद देश निवासी उन्हें पूर्व जो सम्मान दी है, उनकी पूर्व मूर्तियां जो लाई दी है, लेकिन मुड़ा बाद दूसरी सरकार आँदी है तो उन्हें मूर्तियों की देखभाल नहीं करती। क्या एक सरपंच या बड़े बड़े ऑफिसर की भी कोई भूमिका नहीं है? अज जरूर जनता इस सवाल जरूर करा दी और जनता जरूर इसी कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।